किया है। सुबह 4:30 बजे जिला जेल पहुंचा है। यहां पर मुख्तार अंसारी बांदा जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जेल में ही मुख्तार अंसारी की जांच और मुख्तार अंसारी को कोरोना की वहां पर जांच कराई जानी है। बांदा में क्वारंटीन होगा मुख्तार अंसारी। बैरक नंबर 15 में मुख्तार को रखा जा रहा है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से लेस ये बैरक नंबर 15 बताई जा रही। दूसरी जेलों से कर्मचारियों को भी यहां से बुलाया गया है। यहां पर सुबह 4:30 बजे जेल पहुंचा मुख्तार। देश के माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी अभी अभी बांदा जेल प्रवेश किए हैं। मुख्य द्वार से अभी उनकी एम्बुलेंस अंदर गई है। इस एम्बुलेंस के आगे बांदा पुलिस की एक स्कॉट गाड़ी थी और उसके पीछे दूसरी स्कॉट गाड़ी थी। उनके साथ ये गाड़ियां लगातार पंजाब के रोपड़ जेल से चल रही थी। ये लगभग 850 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया है और सकुशल, जैसा कि मंशा थी प्रदेश सरकार की, वो बांदा जेल पहुंच गए हैं और यहां पर अब उनको 15 नंबर बैरक में रखा जाएगा, जो मुख्तार अंसारी का पता होगा और यही मुख्तार अंसारी का आसियाना होगा। बांदा से भारत समाचार के लिए राज नारायण तिवारी। भाई रोक लाकर थोड़ा पीछे आ जा, तू नीचे ले आईडी नहीं है। अरे आईडी हटाओ यार, आईडी गुजरे लड़ते ही रहो आपस में। काफी लोगों ने सहयोग किया है, तू नीचे ले। जो भाई लड़ाई करो आपस में, आईडी नहीं आ रही। मानसिक रूप से तैयार थे, इसी वजह से हम लोगों ने जो था ना सुबह चल के इसको मुख्तार अंसारी बांदा पहुंचा है। सुबह 4:30 बजे जिला जेल पहुंचा है मुख्तार अंसारी। आगे बढ़ेंगे हरिद्वार की खबर का रुख करेंगे। रूट इसमें एग्जामिन करेंगे, हमें बताया गया था तकरीबन 3 रूट एग्जामिन करेंगे। रूट नहीं थे पहले से, रूट सब फाइनल थे, उसी रूट के अनुसार हम रूट प्लान के अनुसार इनको लेके आए। किस तरह का अनुभव है जो रहा आपका, इतना बड़ा सफर था, किस तरह की परेशानियाँ हुई, क्या इसके पहले भी इस तरह का सफर किया आपने इतनी जल्दी से? कई जगह, कितनी जगह रुका गया आपको ज्ञान प्रकाश जी? कितनी जगह रुके आप, कितना आराम कर पाए इतने बड़े लंबे सफर में? कोई आराम नहीं हुआ। क्या खाना पीना भी कहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितने घंटे का सफर था आपका जी? और हमारे साथ हमारे सहयोगी बांदा से जुड़ चुके हैं सीधे राज नारायण। हर कोई जानना चाहता है इस वक्त वहां पर बांदा कारागार में क्या कुछ हलचल है और मुख्तार अंसारी अभी किस स्थिति में, वहां पर कोई अपडेट वहां से आती मिल पा रही है आपको भी अंदर से? जी क्रांति, मैं बता दूं यहां पर बांदा जेल लाए जाने के बाद मुख्तार अंसारी को ये माना जा रहा था कि 15 नंबर बैरक से रखा जाएगा, लेकिन अचानक ही किन्हीं कारणों से उनका बैरक नंबर भी बदल दिया गया है और उनको 16 नंबर बैरक में रखा गया है और उनका ब्लड सैंपल और कोरोना जांच के लिए भी लिया गया है। वो जांच रिपोर्टें अभी आनी शेष है। मुख्तार अंसारी ने यहाँ आने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है और उन्होंने एक उलझन की शिकायत भी दर्ज कराई है कि उनको उलझन भी हो रही है। राज नारायण, लेकिन जब सुबह 4:30 बजे पहुंचा था मुख्तार अंसारी बांदा कारागार, तो उस वक्त उसे उसकी जांच की गई थी, मेडिकल टीम ने जांच की थी, फिर उसको 15 नंबर बैरक में भेजा भी गया था, फिर ऐसे क्या वजह रह गई कि उसको बैरक नंबर 16 में भेज दिया गया, बल्कि वहां तो सीसीटीवी कैमरे भी हो सकता है देर में लगे हों? जी, 15 नंबर बैरक को पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के लिए ही तैयार किया गया था। उसमें उसे पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया था, सुरक्षा के सारे इंतजाम 15 नंबर बैरक में किए गए थे, लेकिन अचानक किन कारणों से इनको 15 नंबर की जगह 16 नंबर में शिफ्ट कर दिया गया, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ना ही जेल प्रशासन ने इसके बारे में कुछ बताया और ना ही जिला प्रशासन ने। जी राज नारायण, अगर अब बैरक नंबर 16 में अभी वो रखा गया है तो क्या वहां पर भी उतनी ही कड़ी सुरक्षा जैसे बैरक 15 की पहले से पुख्ता थी? जी, ये तो मैं बता दूं आपको कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तो पूरी जेल को ही अपडेट किया गया था। पिछले 3 दिनों से लगातार इसके लिए यहाँ पर काम चल रहा था, तो पर ये नहीं कहा जाएगा कि 16 नंबर बैरक सुरक्षा के हिसाब से किसी भी मामले में कमतर है।
लेकिन बैरक नंबर 15 को विशेष रूप से मुख्तार अंसारी के लिए तैयार किया गया था। तो राजनारायण, क्या बाद में वो शिफ्ट हो सकता है बैरक नंबर 15 में, या फिर अब वो बैरक नंबर 16 में ही रहेगा, बाद में शिफ्टिंग हो भी सकती है क्या उसकी? ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक ही उनको 15 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो 2 दिनों के अंदर उनको 15 नंबर बैरक में हाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल उसकी हेल्थ को लेकर, मुख्तार अंसारी की हेल्थ को लेकर जानकारी क्या दी गई, क्योंकि जब जांच हुई थी, जब वो रोपर से निकला था, तब तो पूरी तरीके से स्वस्थ बताया जा रहा था, अभी क्या दिक्कत उसको महसूस हो रही है? मेडिकल टीम ने मुख्तार अंसारी की जांच की है, उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है, कोरोना जांच भी की गई है, वो रिपोर्टें अभी सारी आनी बाकी है, लेकिन मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर आने के बाद अपने आप को उलझन होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि उन्हें उलझन हो रही है, उन्हें घबराहट हो रही है, ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है जी। राजनारायण, देखिए अभी तक मुख्तार अंसारी को जो ट्रीटमेंट मिलता रहा है पिछले कुछ सालों से, वो वीआईपी रहा है, लेकिन आज जब वो इस जेल में आया है तो कैसे उसके लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा? आम जो कैदी होते हैं उसी की तरह उसको भी वहाँ पर आज ट्रीटमेंट दिया जा रहा होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को अभी तक, चाहे वो जिस भी जेल में रहे हो, 33 साल का उनका जो ये साम्राज्य था वो बांदा जेल में आज टूट जाएगा। उनके जो जेलों में 5 स्टार की व्यवस्था मिलती थी वो आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और मुख्तार अंसारी एक आम कैदी की तरह ही बांदा जेल में रहेंगे जी। राजनारायण, यहाँ पर पुलिस ने क्या बताया, जब इतना लंबा सफर मुख्तार अंसारी ने तय किया तो क्या इस बीच उसने अपनी कुछ बातें पुलिस वालों से कही? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि वो काफी डरा हुआ था, काफी घबरा रहा था, जब एक जगह काफिला रोका भी गया था कोतवाली के पास बीच रास्ते में। जी, काफिला लगभग 3 से 4 जगह कुछ समय के लिए, 4-5 मिनट के लिए रोका गया है, लेकिन मुख्तार अंसारी चूंकि एम्बुलेंस में था और उसके साथ डॉक्टरों की टीम थी, पुलिस टीम ने जिन लोगों से हमारी बात हुई, ड्राइवरों से बात हुई, और इस पुलिस टीम को जो लीड कर रहे थे सदर सीओ, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये 14 घंटे का सफर था और इस सफर की सकुशल समाप्ति पर हम लोग अपने आप को बहुत सुकून में महसूस कर रहे हैं कि इस सफर को हमने 14 घंटे में पूरा किया। चलिए राजनारायण, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए इस बुलेटिन में।